आगे की अपने किसने कर रहे हैं हम चीटी और जलेबी की पहली है ठीक है ना। यस। तो ये क्या है चीटी और मन क्या है भोली। ये कौन है भोली। और जिसका जो भाई है ये क्या है भोला। भोली मैम ऐसा का नाम है भोला। अब देखो हम तुम्हें घर भी दिखा देते हैं घर बनाओ। तो ये हमारा घर है और घर के अंदर क्या रखी हुई है ठीक है। तो आप कहानी का अभिनय कर रहे हैं तो भोली को क्या लग रही है भोली को लग रही है बहुत तेज भूख। अब भोली क्या बताएगी ढूंढने के लिए आई खाने को। क्या क्योंकि चींटी की क्या होती है सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है बताए ठीक है। अब क्या हुआ भोली पहुंच गई है घर के पास में उसको क्या आ रही है महक जलेबी की। तो अब देखो वो खाने पर आ रही है लेकिन भोली को कुछ याद आ रहा है बार बार क्या आ रहा है तो उसका भाई भी घर पर घूमता है। तो भोली क्या कर रही है जलेबी को लेके अपने भाई के पास लेके आ रही है उसको। अब देखो भोली ने क्या किया जलेबी को जाए अपने भाई के पास में। अब देखो उसका भाई देखो क्या खुश हो रहा है जलेबी को देख के देखो। अब दोनों खुशी के मारे दोनों घूम रहे नाच रहे हैं दोनों भाई भाग कर देखो कोई चीटी से रहेगा चीटी से रहे। अब दोनों क्या करेंगे इसको जलेबी को खा रहे हैं क्या करें बेटा अब देखो जलेबी कम हो गई। अब दोनों क्या कर रहे हैं फिर दोनों का कैसा हो गया तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बेटा कि हमको अपना जो भी कुछ खाने पीने का सामान होता है उसको मिल बांट के क्या करना चाहिए आगे ध्यान रखोगे ना हम लोग। कहानी कैसी लगी अच्छी। तो सब बच्चे जो भी कुछ है वो मिल बांटे खाना पीना खाने ठीक है तो बेटा क्या करोगे जिस तरीके से भोलू ने भोली ने अपने भाई को भोलू के साथ बैठे खाया क्योंकि भोलू भूखा था उसी प्रकार से अपने बहन भाइयों के सबके साथ में क्या बैठ के खाओगे ना। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज है तो मिल बांट कर